डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें पीछे करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए, कुछ बन न पाए, जीवन में कुछ हासिल न कर पाए। लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अम्बेडकर का है, गरीबों का है, पिछड़ों का है। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था, उनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के शहरीकरण, अर्बनाइजेशन पर भरोसा किया। उनके इस विजन को आगे बढ़ते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन मिशन की शुरुआत की गई। बाबा साहेब का सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास था। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया इनिशिएटिव हमारे युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दे रही है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।